तो हमारा ये घर बहुत ठंडा है, ठंडा दिन है। और ये है हमारा सिंचुंग सिंजू सिंजू है ये सिंजू। चलो ये बॉयल चलो। वाह बहुत टेस्ट है रे हमारा आज का खाना, ये स्टार फ्रूट सलाद टमेटो अनियन बॉयल। बॉयल नहीं खाने रहे, क्यों खा रहे हैं? और ये चिकन है तो यहाँ पे यार मीट का तेल है ना, ये है हमारा फ्राई चिकन फ्राई खुद बना रहे हम लोग एक्चुअली। हॉस्टल थोड़ा खा करके बोरिंग हो गया और ये चिकन बॉयल। हेलो दोस्तों, सो हम आए हैं अभी हमारा दोस्त के घर लंच करने के लिए। एक्चुअली हॉस्टल में तेल सब्जी खा के बोरिंग हो गया तो यहाँ बॉयल पटा खाने आया है। और मतलब कभी कभी अपना बनाने वाला भी खाने मन होता है, मतलब हॉस्टल में मसाला ज़्यादा होता है, मतलब सबके लिए बनाता है तो 200 स्टूडेंट है सबके लिए बनाता है तो उसमें थोड़ा क्या होता है कि पूरा टेस्ट उतना नहीं होता है, तो टेस्ट है लेकिन खा के कंटिन्यू खा करके सेम चीज़ तो इतना टेस्ट नहीं। तो इसलिए यहाँ थोड़ा इमची साइड दुईमुख साइड आया हुआ है अपने दोस्त के घर, तो चलो थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं कैसे बना रहा है, कैसे क्या कर रहा है चलो। सो ये आलू देख सकता है, ये है हमारा बागन जहाँ से हम लोग पटा लेके खाया हुआ है अभी, बहुत ऑर्गेनिक है मतलब कुछ से बगन किया वाला है। सो ये है मूला है, वहाँ मूला और लाई पट्टा है तो वहाँ से तोड़ के हम यहाँ भी बना चुका है एक्चुअली हमारा यहाँ है जो अभी बगन से जो थोड़ा वाला है अभी तोड़ के लाया है। ठंडा मत करो तो बॉयल नहीं खाने रहे, क्यों खा रहे हैं? और ये चिकन है तो यहाँ पे अभी यार मीट का तेल है ना, ये है हमारा फ्राई चिकन फ्राई खुद बना रहे हैं हम लोग एक्चुअली। हॉस्टल थोड़ा खा करके बोरिंग हो गया और ये चिकन बॉयल कर रहे हैं यहाँ पे पपाया का साथ जो हमारा हॉस्टल का गार्डन से हम तोड़ के आया था। तो ये है एक्चुअली यही खाने के लिए अच्छा रहा था लेकिन बेम्बू का साथ बेम्बू सूप का साथ खाएगा सोचा था लेकिन बेम्बू सूप खत्म हो गया है दोस्त का घर में। तो और ये अभी मिर्चा को जला के चटनी बनाएगा ये हमारा पपाया दोस्त। ये है पपाया सूप और ये अदरक और गार्लिक जंजीर पे मिर्चा के साथ और ये पेप्सी और ये है मुँह टेरा ला जला ला और केचप नहीं। सो ये है हमारे घर वाले दोस्त, ठीक है ना? थैंक यू हाँ घर में इन्वाइट करने के लिए। ओए जल्दी बनाओ ना, भूख लग रहा है, चलो खाएगा। खाए आपका चटनी बनाएगा बोला ना, आप खाना है आपका देखा ना उसको कहाँ है। ओ और ये है दोस्तों, ये है हमारा अभी देख ये क्या अब गैस करो, गैस करना जरूरी मैं बताता हूँ। ये है पपाया, पपाया को हम लोग पीस किया है, बहुत मिन पीस किया है पपाया को पीस करके अभी सलाद बनाएगा इसमें जो हमारा दोस्त है। और एक्चुअली ये अपना स्टार अपना ही इज फ्रॉम मणिपुर और हम लोग अरुणाचली है लेकिन वी आर फैमिली। सो अभी ये अपना मणिपुरी स्टाइल में हम लोग को चटनी बना के खिलाने वाला है। ये जो पपाया हम गार्डन से लेके आया था, तीन लेके आया था, एक दो यहाँ पे है और एक यहाँ पे बॉयल में है। तो यहाँ भी मिर्चा जला रहा है, इसे जलाने के बाद अभी हम लोग चटनी कैसे बनाएगा चलो देखते हैं। तो हम लोग को भी सिखाओ दी, देखिए रखेगा देख कर रखता हूँ मिर्चा जला के, पता नहीं कैसे बनाएगा हम, क्योंकि अभी पपाया का चटनी बना के नहीं देखा है। मर रहा है दोस्त, टिटा मछली और टिटा मछली क्या बोल रहा है इसको, नड़ी मणिपुर का नड़ी। ओ तो दोस्त लोग देख सकता है यहाँ पे नड़ी का साथ मिर्चा का साथ खत्म हो गया मेरा नड़ी, ये अभी लास्ट नड़ी उनको जलाता है कैसे, ऐसे नहीं बनाता है डायरेक्ट जला देता है। तो यहाँ पे घड़ी को जला रहा है, अगर आप लोग में से कोई मणिपुरी है तो कमेंट्स करो, देखो देखिए घड़ी। ओ ओ ओ छोटा मछली छोटा वाला मछली है तो देख खत्म हो गया होता है एक्चुअली बड़ा होता है ना घड़ी, यहाँ ये दुकान में मिल जाता है ना मार्केट में घड़ी ना। अच्छा 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 ठीक है, तो आप लोग देख सकता है पपाया का साथ एंड मिर्चा वगैरह डाल के मिर्चा को चला के घड़ी का साथ चटनी बनाता है। तो अभी तक अंडर प्रोसेसिंग है
तो ये है मिर्चा जलाया वाला, और ये नरी है, और पपाया वहाँ पे रखा हुआ है। सो मिर्चा भी किंग चिली बने थे ना, किंग चिली ना वो है। सो हमारा ये दोस्त नामतन जी, सो इसका नाम है नामतन दुआन गोंगने, एंड आप लोगों को आगे पे बता चुका है वो कहाँ से है बोलकर, और वो अपना वहाँ का स्टाइल में हमें चटनी बना के खिला रहा है, यहाँ खिला रहा है अभी, बना रहा है एक्चुअली। ये छोटा छोटा मछली, क्या क्या मछली बोल रहा था, गरी 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 ना गरी, मिर्चा पपाया चटनी बना रहा है यहाँ पे। ये भी सिंगसू टाइप है, मतलब सिंगसू सिंगसू टाइप है वो, हम नहीं समझ पाया ना। ओह अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। और ये चटनी को आप लोग क्या बोलते हैं, ये भी सिंगसू तो बोलता है मगर, और सिंगचू ना। ओके, तो ये चटनी को जो बना रहा है उसको बोलते हैं सिंगचू। केबेज ना, ओके एक्चुअली दोस्तों केबेज से बनाते हैं, और इसका नाम है, ये चटनी का नाम है सिंगचू। और एक्चुअली आज केबेज नहीं है, तो हम लोग जो पपाया लाया है, चलो टेस्ट करके देखते हैं पपाया का कैसे होता है ना दोस्त। आप कभी पपाया का सिंगचू खाया? हाँ तब तो आप जानते ही होगा, ठीक है। तो हम लोग का तो फर्स्ट टाइम होगा, तो नेक्स्ट बार आने से जरूर तो हम लोग को ये केबेज का खिला, हम लोग केबेज लेके आएगा। केबेज और क्या होता है, गचू गिरी 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 लेके आएगा, गिरी और केबेज लेके आएगा, आप बना के खिलाएगा। तो फ्राई वाला जो मोटर फ्राई, मतलब मोटर जो फ्राई पिके डाला जो मिलता है वो वाला, हाँ हाँ, उसको पीस के ना, हाँ पाउडर बनता है ना, हाँ हाँ, जो बनाने से असली टेस्ट आता है, उसमें और टेस्ट होता है ना मिक्स करने से ना, हाँ मटर ना मटर, हाँ मटर नहीं तो आज ऐसा लोग सुन रहे हैं जो हमारा दोस्त बता रहा है, मटर जो पी होता है उसको जो हम लोग उसको फ्राई करके पीस करके जो नीम बनता है उसको यूज़ करता है बोला है, तब और टेस्ट होता है बोला है ना। पीस करके ना, अच्छा 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 ठीक है अच्छा। तो गाइस आप लोग भी सुन रहे, तो अगर आप देख रहा है जी जो मिमी मिमी को डालेगा, ओ सो यूनिक यार, ठीक है। तो यहाँ मिमी, ओके दो पैकेट होंगे ना, और मसाला को यूज करेगा ना, नहीं मसाला यूज नहीं करेगा, ओके ठीक है ठीक है। मतलब अभी यह मिक्स करेगा ना, मतलब अब कुछ कहने वाला था, कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। ये तो नॉर्मल चटनी है, लेकिन वो नरी मिक्स करता है ना, उसमें उससे थोड़ा नरी का कारण से थोड़ा स्पेशल और टेस्ट अलग हो जाता है ना, और स्पेशल कुछ चटनी का नाम बन जाता है ना। अच्छा ठीक है, सो हमारा लंच तैयार हो चुका है, तो अभी हम लोग खाने वाला है। सो अभी दोस्त लोग यहाँ लेके आएगा, सो यहाँ अभी हम लोग खाएगा, चलो चलो लेके आओ। हम वहाँ भी है ना, उत्तर से भी हम लाया था खाना, तो हमारा ये घर बहुत ठंडा है, ठंडा दिन है, हीटर अच्छा है लेकिन हीटर आप लोग गर्म देगा, हम लोग का धूप नहीं ठंडा। और ये है हमारा सिंचुंग सिंगजू सिंगजू है ये सिंगजू, चलो ये बॉयल, चलो लेके जाएगा क्या, अंदर में खाएगा ना, यहाँ ये कॉमन रूम में खाएगा, चलो कॉमन रूम में खाएगा दोस्त, यहाँ खाएगा, वहाँ नहीं वहाँ नहीं वहाँ नहीं, यहाँ हाँ यहाँ पे खाएगा, कहाँ पे यहाँ खा लेगा, चलो तब तो ये हमारे लाए पट्टा जो अभी यहाँ से जो यहाँ से वो गार्डन से लाया था हम लोग, और ये है हमारा सिंजू और ये बॉयल चिकन, और वहाँ पे फ्राई चिकन है, ये जो लाल
शोकेस में जो है वो है हमारा हॉस्टल से जो हम राइस चावल लेके आया था पकाला, और ये यहाँ का हमारे दोस्त लोग जो बनाया, और वो लोग पेप्सी वगैरह बना रहे हैं। बासमती चिकन मिथुन सैलड बोल सिंजू है, सिंजू इसको बोल रहे ना सैलड। खत्म हो गया ना, बहुत बढ़िया था। सिंचू के साथ बॉयल चिकन विथ पपाया एंड चिकन फ्राई सलाद स्टार फ्रूट्स था, ऑनियन बॉयल लोकल पत्ता जो जब यहाँ से लिया था बहुत टेस्ट था। तो सब खा पी के ये पूरा पेट पेटुआ हो गया, कहा कि तुम्हारा दोस्त हो रहा है, दोस्त हालत खराब हो गया ना, ऐसे नहीं करते दोस्त, पेट फटेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं अगली ब्लॉग पर, और प्लीज कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, हमको भी लाइक कीजिए, टाटा। सो हम खाना खा चुके हैं, तो अभी ये टेरिस के ऊपर थोड़ा चलते हैं, बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा पेट को डाइजेस्ट होने देगा, बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो ये है सबसे टॉप फ्लोर, दीपा बस्ती, ये भी तो आसाम सामने है चला, मतलब यही से सब्जी प्रोडक्ट होता है, मतलब ना लेपटा वगैरह देखो ना इतना बगिन बड़ा बड़ा करके रखा है पट्टा, देखो तो इतना सुंदर सुंदर बगन करके रखा है, ये पूरा लेपटा का बगन है। आप लोगों को दूर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन सामने जगह बहुत बड़ा बड़ा है। वाह यहाँ से सुंदर है तो नज़ारा, सुंदर है।